नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। 15-16 मार्च को बैंक हड़ताल, सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध। और स्टील कंपनियों पर मिलीभगत की जांच शुरू, सीसीआई ने उठाया कदम। अब खबरें विस्तार से। स्टील कंपनियां मिलीभगत करके दाम बढ़ा रही है, ऐसी बात पता चली है। सीसीआई इसी मामले की जांच शुरू कर चुका है। सीसीआई यानी प्रतिस्पर्धा आयोग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि स्टील कंपनियां आपस में मिलकर स्टील की कीमतें तय तो नहीं कर रही है। इस मामले में सीसीआई को लिखित तौर पर कोई शिकायत नहीं मिली है। सीसीआई ने यह मामला स्वतः संज्ञान में लिया है कि क्या स्टील कंपनियों ने दाम प्रभावित करने के लिए मिली पकड़ की है। हालांकि सूत्रों ने यह जरूर बताया है कि पिछले कई तिमाहियों से स्टील की कीमतों में आई तेजी की जांच करने की मांग की जा रही है। खासतौर पर ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां जो स्टील का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करती है। शेयर बाजारों में पिछले 6 सत्रों से जारी तेजी में मंगलवार को विराम लग गया है और बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी के दोनों मामले गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, एफएमसीजी और वाहन कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली के बीच यह हल्की गिरावट आई। सेंसेक्स एक समय 487 अंक मजबूत होकर 51,835.86 अंक के उच्चतर स्तर पर चला गया था, लेकिन बाद में तेजी बरकरार नहीं रही और अंत में यह 19.69 अंक यानी 0.04% की गिरावट के साथ 51,329.08 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 6.50 अंक के मामूली गिरावट के साथ 15,109.30 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह रिकॉर्ड 15,257.10 अंक चला गया था। सेंसेक्स के शेयर में सर्वाधिक नुकसान भी महिंद्रा एंड महिंद्रा रही, इसमें 3.62% की गिरावट आई है। नुकसान में रहने वाले अन्य शेयरों में बजाज फाइनेंस, ITC, सन फार्मा, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और TCS शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव एक साल से ज्यादा समय के उच्च स्तर पर बना हुआ है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $61 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है, जो कि 24 जनवरी 2020 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के अप्रैल डिलीवरी अनुबंध में मंगलवार को बीते सत्र से 0.58% की तेजी के साथ $61.05 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के मार्च अनुबंध में बीते सत्र से 0.81% की तेजी के साथ $58.44 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ तेल की मांग बढ़ने की उम्मीदों से दाम में तेजी बनी हुई है, जिससे तेल के उत्पादन में कटौती से सपोर्ट मिल रहा है। वही क्रूड उत्पादन करने वाले देशों में उत्पादन और मांग बढ़ने के कारण भी इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का सिलसिला जारी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार 7वें महीने जनवरी में 9,253 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने निवेशकों ने ऋण म्यूचुअल फंडों से 33,409 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि दिसंबर में उन्होंने 13,863 करोड़ रुपए निवेश किए थे। आंकड़ों के मुताबिक कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड उद्योग ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी खंडों में शुद्ध रूप से 35,586 करोड़ रुपए की निकासी देखी, जबकि दिसंबर में 2,968 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी खुली योजनाओं से जनवरी में 9,253 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 10,147 करोड़ रुपए था। ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाड़ा ने कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी के चलते जनवरी 2021 में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 4.40% घटकर 2,81,666 इकाई रह गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के अनुसार इससे पिछले साल जनवरी 2020 में 2,94,817 इकाइयों की बिक्री हुई थी। फाड़ा 1,480 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 1,273 से वाहन पंजीकरण के आंकड़े जमा करती है। फाड़ा के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री 8.78% घटकर 11,63,322 इकाई रही थी, जो एक साल पहले की समान अवधि में 12,75,000
73,308 इकाई थी। बैंक कर्मचारियों के 9 संगठनों का शीर्ष निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले सप्ताह अपने बजट भाषण में विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। सरकार पहले ही 2019 में IDBI बैंक में अपनी बहुतांश हिस्सेदारी LIC को बेचकर उसका निजीकरण कर चुकी है। साथ ही पिछले 4 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय किया गया है। AIBA के महासचिव CH वेंकट चलम ने कहा कि UFB की बैठक में बैंकों के निजीकरण के सरकार के निर्णय का विरोध करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा बैठक में केंद्र सरकार के बजट में सुधार को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं पर चर्चा हुई। BCN न्यूज के बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।